डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट के जेई मेन 2021 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए जो इस टाइप का क्वेश्चन है जेई मेन 2021 में दो बार पूछा जा चुका है, एक बार जेई मेन 2019 में भी पूछा गया था और ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2004 का है, तो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जेई एडवांस के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि वर्क इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा ई के पावर में माइनस का बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन में के टी, हर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ अल्फा। आपको अल्फा पूछा गया कि अल्फा क्या होगा। ठीक है, तो यहां से मैं लिखूंगा पहले ई के पावर में एक्स। मैंने आपको बताया था कि के पावर एक्स जो है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ई के पावर एक्स एक्सपोनेंशियल अगर फंक्शन है तो वो क्या है, ई के पावर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से देखिए e के पावर में माइनस का जो भी है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन में के टी इज इक्वल टू डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस का मीनिंग क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस का मतलब m के पावर में जीरो, l के पावर में जीरो। ठीक है, m के पावर में जीरो, l के पावर में जीरो, t के पावर में जीरो, मतलब किसी भी नंबर के पावर में जीरो तो वो वन हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ से मैं बीटा फाइंड करूंगा तो बीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, के टी अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये जो के टी होता है बेटा वो वर्क के इक्वल होता है। के टी क्या होता है, वर्क के इक्वल होता है, ये माइंड में अपने सेट रखना। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं बीटा का डायमेंशन फाइंड करूंगा तो के टी मतलब वर्क का लिखूंगा एम एल स्क्वायर टी के पावर में माइनस का टू अपॉन में एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा एम एल के पावर में जीरो टी के पावर में माइनस का टू, ये हमारा डायमेंशन बीटा का आ जाएगा। ठीक है, तो बीटा का डायमेंशन क्या आ गया, एम एल के पावर में जीरो टी के पावर में माइनस का टू। ठीक है, अब हमको यहाँ से क्या मालूम है कि वर्क इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा, तो मैंने यहाँ पर लिखा वर्क, एक सेकंड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि सर वर्क इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा, तो जब मुझे यहाँ से क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अल्फा बताइए, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू वर्क अपॉन में बीटा और अंडर रूट में लगा दूंगा। ठीक है, वर्क अपॉन बीटा और अंडर रूट लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर में माइनस का टू और अपॉन में बीटा का डायमेंशन लिखूंगा एम एल के पावर में जीरो टी के पावर में माइनस का टू। ठीक है, और ये पूरा अंडर रूट में, क्लियर है। तो यहाँ से एम कैंसिल आउट हो जाएगा तो एम के पावर में यहाँ बचेगा जीरो। ठीक है, और एल देखिए यहाँ पर ये पावर में वन, एल स्क्वायर है और रूट का मतलब क्या, वन बाई टू, तो एल के पावर में कितना बनेगा वन और टी के पावर में प्लस टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो, टी के पावर में माइनस टू, यहाँ पर माइनस टू कैंसिल आउट हो, टी के पावर में जीरो। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एम के पावर में जीरो और एल के पावर में वन और टी के पावर में जीरो, हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए जे में 2021 में दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला, इफ ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यहाँ पर ई जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है, यहाँ पर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पर जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट है इन फ्री स्पेस एंड एच इज द प्लॉन्क कांस्टेंट, एच जो है यहाँ पर प्लॉन्क कांस्टेंट। मैंने कितनी बार आपको जब यूनिट ऑफ डायमेंशन का मैंने क्वेश्चन कराया था प्रीवियस ईयर के जी मेंस के क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया था कैपिटल जी, प्लॉन्क कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जब इसका उसके बाद फिर क्या बोला कि कांस्टेंट द क्वांटिटी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एच सी का डायमेंशन आप बताइए। तो चलिए इसका डायमेंशन हम लोग ले लेते हैं, पहले तो फर्स्ट नंबर 1 अपॉन 4 पाई जो यहाँ पर हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्लियर है, और इसका डायमेंशन लिखेंगे। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर डायमेंशन लिखूंगा 1 अपॉन में, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होता है, एम के पावर में माइनस का 1 होता है और एल के पावर माइनस 3, टी के पावर में 4 और ए स्क्वायर। ये आपको मैंने बोला था कि डायमेंशन आपको याद कर लेना है, याद इसलिए कर लेना क्योंकि सर आपके पास एग्जाम में बहुत कम टाइम रहता है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ई स्क्वायर का मतलब चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, ए टी होता है, तो आप क्या लिखोगे सर, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर, क्लियर है, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर अपॉन में प्लॉन्क कांस्टेंट का डायमेंशन क्या लिखोगे, प्लॉन्क कांस्टेंट का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर में माइनस का वन। मैं आपको एक बार फिर से बोलूंगा, एप्सिलॉन नॉट, प्लॉन्क कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, ये सब का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी के पावर में माइनस का वन हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, एम के पावर में माइनस का वन और एल के पावर में माइनस का थ्री, टी के पावर में फोर और ए स्क्वायर। ठीक है,
इन टू में इन टू, देखिए इसको जब मैंने सॉल्व किया तो m के पावर में यहाँ प्लस वन, ऊपर ट्रांसफर किया तो m के पावर में माइनस का वन हो जाएगा ये, ठीक है। और l प्लस वन तो l के पावर में माइनस का थ्री आ जाएगा, क्योंकि टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, l के पावर माइनस थ्री ऊपर जब ट्रांसफर करूंगा। और यहाँ देखिए t के पावर में ये माइनस का वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, ऊपर ट्रांसफर करूँ t के पावर में फोर हो जाएगा और ए स्क्वायर। तो देखिए ये पूरा सेम सेम है, ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा जो भी बनेगा एम के पावर में एल, देखिए एम के पावर में जीरो, एल के पावर में जीरो, टी के पावर में जीरो और ए स्क्वायर जो भी हमारा आएगा वो फाइनली आंसर आ जाएगा, क्योंकि पूरा क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो जैसा ऑप्शन में था वो ऑप्शन से हम लोग मैच करा देंगे। क्लियर है सभी लोगों का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोला, इफ सी एंड बी रिप्रेजेंट कैपेसिटी एंड वोल्टेज रेस्पेक्टिवली देन व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द लैम्डा वेयर सी अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो कैपेसिटर है सी, यहाँ पर कैपेसिटर है और कैपेसिटर सी इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन बी। तो यहाँ से मैं लिखूंगा कि लैम्डा इज इक्वल टू सी के प्लेस पे मैंने लिखा क्यू अपॉन बी और अपॉन में भी, ठीक है। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी और अपॉन में बी, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा Q अपॉन बी स्क्वायर। बी नो दैट B इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन में चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन में चार्ज। तो यहाँ पर मैंने लिखा Q और B के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ B के प्लेस पे क्या लिखूंगा, B के प्लेस पे मैं लिखूंगा वर्क अपॉन में चार्ज। तो वर्क अपॉन में चार्ज तो ये हमारा हो जाएगा Q स्क्वायर और W का स्क्वायर। तो फाइनली क्या हो जाएगा Q, Q का क्यूब और अपॉन में वर्क का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट डायमेंशन हम लोग लेते हैं। डायमेंशन जब मैं लिखूंगा यहाँ पर तो चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो हो जाएगा 80। तो चार्ज का जब डायमेंशन 80 लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ए क्यूब और टी का क्यूब अपॉन में, यहाँ पर देखिए वर्क का स्क्वायर, तो वर्क का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर एम एल स्क्वायर टी के पावर में माइनस का टू और होल स्क्वायर। क्लियर है? तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली देखो जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा एम के पावर में माइनस का टू आ जाएगा, एल के पावर में माइनस का फोर और ए के पावर में थ्री और टी के पावर में सेवन, हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस साल अगर देखा जाए तो जे मेन 2021 में ज़्यादातर डिफिकल्ट क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे नहीं गए थे, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।